सही हो गया। चलो जी ठीक है। आज हम लोग विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम। ठीक है, आज जरा थोड़ी सी चीजें हैं जो कंसेप्चुअली मेरे ख्याल से थोड़ी सी शायद मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ज्यादा मुश्किल होंगी। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने पाइथन में ऑलरेडी पढ़ ली हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं होंगी। ठीक है, तो आज हमारा मेन जो टॉपिक्स हैं वो दो हैं, ठीक है, फंक्शंस एंड मेथड्स। ठीक है, फंक्शंस एंड मेथड्स के अंदर हमारे पास फंक्शंस, एरो फंक्शंस, ठीक है, होइस्टिंग क्या होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये पढ़ेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट डिटेल पढ़ेंगे वो हम लोग थोड़ा सा बाद में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज हमारी है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है? फंक्शन डिक्लेरेशन होती है फंक्शन का एक तरीका क्या होता है लिखने का। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम फंक्शन को कैसे लिखते होते हैं, हम लोग फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन के आगे कोई भी चीज, ठीक है, और उसके आगे कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के नीचे हम लोग यहाँ पे कोड ब्लॉक ऐड करते हैं। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये क्या करता होगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो एवरीवन, ठीक है, ये करता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने, ठीक है, इसको रन नहीं किया या इसको इन्वोक नहीं किया, ठीक है, या इसको कॉल नहीं किया। तो फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं नीचे फंक्शन का नाम और उसके दो ब्रैकेट्स, हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, हमारे पास कंसोल के ऊपर जो फंक्शन ये कर रहा होगा हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ही, ठीक है, एक चीज होती है इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है जी, फंक्शन एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन कुछ भी चीज है जिसको हम लोग एक वेरिएबल असाइन करते हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर यू इक्वेट, व्हेनेवर यू इक्वेट समथिंग, ठीक है, टू अ वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ये बात याद रखनी है। ठीक है, कॉन्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी, ठीक है, नाउ दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको हम डिक्लेयर नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है जी, इसी तरह से हम लोग फंक्शन को भी ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फंक्शन को लिख सकते हैं कॉन्स्ट स्पीक, ठीक है, फंक्शन। अब ये जो है ना, ठीक है, एक्सप्रेशन के एंड पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, ये सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का रूल है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द यहाँ पे फंक्शन पे आपने देखा हम लोगों ने सेमी कॉलन ऐड नहीं किया, ना जरूरत है करती, लेकिन चूंकि ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको हम लोगों को एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करना है, तो हम लोग इसलिए इसके एंड पे सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट डिफाइन किया, उसका नाम दे दिया स्पीक, और उसको हम लोगों ने कर दिया कि वो फंक्शन के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया कॉन्सोल डॉट लॉग। ठीक है, अब इसको जब हमने इन्वोक करना है ना या कॉल करना है, उसका तरीका सेम ही, ठीक है, उसका तरीका सेम है जो कि डिक्लेरेशन के साथ होता है, और उसका तरीका सेम है जो एक्सप्रेशन के साथ होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन के ऊपर क्या फर्क है। अब यहाँ पे तो आप लोगों को लग रहा होगा यार इतना तो भी फर्क है नहीं, मतलब इतना इतना हम लोग क्यों खवारी काट रहे हैं, ठीक है, हम लोग सीधी तरह जब ऐसे लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिखते हैं? अब इस पे एक चीज होती है जिसका नाम होता है होइस्टिंग। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट कोड कैसे रन करता है फ्रॉम टॉप टू अबव। ठीक है, अब अगर आपका फंक्शन डिक्लेरेशन जो है, ठीक है, ये नीचे भी लिखा होगा ना कहीं पे आपके पूरे फाइल के अंदर, और आपने ग्रीट जो है ये किसी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फंक्शन को लेके यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास फिर भी ये फंक्शन चल रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने ग्रीट पहले कॉल किया है, ठीक है, लेकिन मैंने फंक्शन तो नीचे लिखा हुआ जाके, अब जब वो ऊपर से नीचे पड़ता हुआ आ रहा है, उसे कहना चाहिए क्या, मुझे तो ग्रीट मिला ही नहीं है। इस चीज को कहते हैं होइस्टिंग। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट जितने फंक्शन डिक्लेरेशन होते हैं ना, ठीक है, जब रन करने लगता है उनको ये हमेशा टॉप पे ले जाता है।
बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अगर आपने अपने सारे फंक्शन इस तरह फंक्शन डिक्लेयर किए हैं सारे एंड के ऊपर, जब जावास्क्रिप्ट उसको कंपाइल करके रन करेगा ना, ठीक है, तो वो हमेशा उसको ऑन द टॉप ले आएगा। ठीक है, इस चीज को कहते हैं हम लोग हॉइस्टिंग। ठीक है, इट इज लूज टर्म टू डिस्क्राइब हाउ आर फंक्शंस आर इफेक्टिवली हॉइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द फाइल बिफोर द रेस्ट ऑफ आवर फाइल रन्स। ठीक है जी, एंड इसकी खास बात क्या है, इट डज दिस विद फंक्शन डिक्लेरेशन एंड नॉट विद फंक्शन एक्सप्रेशन। अब अगर आपने फंक्शन एक्सप्रेस इस तरह किया होगा, ठीक है, और इसको मैं उठा के नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है, वो देखो कहता है कि cannot access peak before initialization। इसका मतलब ये है कि हालांकि दोनों में दोनों तो हैं तो फंक्शन, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट फंक्शन डिक्लेरेशन को और फंक्शन एक्सप्रेशन को डिफरेंटली ट्रीट करता है। ठीक है जी, अच्छा अब कुछ लोग ये समझेंगे कि जी सबसे अच्छा तरीका तो फिर यही है कि आप जहां मर्जी फंक्शन अपन लिखते हैं, ठीक है, इसका तो तुक ही कोई नहीं बनता यूज करने का, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ये चीज ज्यादा बेहतर है क्योंकि आपके पास फ्लो कंट्रोल में होता है। ठीक है, आप देख रहे हो कि यार मैंने अभी यहाँ पे स्पीक मैंने यहाँ पे किया है, अब ये इसके नीचे यहाँ पे जाके कॉल होगा, ये नहीं कि मैंने एक जगह पे फंक्शन डिफाइन कर लिया, अब मैं ढूंढू कि अपना क्या है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अलॉट ऑफ द टाइम, ठीक है, वी विल बी फॉलोइंग अ फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहते हैं क्या, हॉइस्टिंग, ये याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ये फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ एक्सप्रेशन होना जरूरी है या उसके अलावा भी हो सकती है? सर आपने अब बताया ना कि अगर हम एक चीज नीचे डिफाइन कर रहे हैं, कुछ चीज कॉल कर रहे हैं फंक्शन को ना, तो वो ऊपर डिफाइन होना चाहिए ना। हाँ, टॉप पे। तो अगर फिर हम एक्सप्रेशन ले आते हैं, अच्छा हाँ, अगर हम लोग एक्सप्रेशन ले आते हैं, फिर हमसे आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सप्रेशन ले आते हैं, हाँ, तो जब एक्सप्रेशन कर देते हैं तो क्या डिफरेंस आ जाता है उसमें? अच्छा, अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क ये है कि हम लोगों ने एक चीज डिफाइन की, हमने कहा कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू राजीव। अब मैं यहाँ पे कहूँ कॉन्सोल डॉट लॉग नेम, ठीक है, रन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोल डॉट नेम पहले रन करूं और डिफाइन में बाद में करूं, वो कहेगा कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइन बाय लाइन एग्जैक्टली, जब आपने फंक्शन एक्सप्रेशन डालते हो तो वो लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है, लेकिन जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन डालते हो ना, तो वो क्या करता है, पहले फंक्शन को लेकर आता है टॉप के ऊपर ताकि सारे फंक्शन रन कर ले और फिर लाइन बाय लाइन चलता है। तो आपने फंक्शन फाइल के अंदर जहां मर्जी डिफाइन किया हो, इंटरनली जावास्क्रिप्ट ने हॉइस्टिंग करके क्या करना है, उसको टॉप पे ले जाना, बस ये फर्क है। सेंस बनती है? सही सर, सबको सेंस बनती है? जल्दी से चैट में बता दो। अच्छी प्रैक्टिस है, जंबल अपनी होती चीजें, ठीक है, अच्छी बात है कि पहले आप कुछ डिक्लेयर करें और फिर आप उसे यूज करें, ये ना हो आप अननेसेसरी फंक्शंस डिफाइन करें जिनको आप यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो इससे ये होता है कि आप लाइन बाय लाइन देखते देखते चलते हो क्या, अच्छा मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ इसको मैंने यहाँ पे यूज करना है, ये मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ इसे मैंने यहाँ पे यूज करना, समझ आ रही है? तो ये ज्यादा इफेक्टिव तरीके की तरीका है लिखने का कोड।
ठीक है, चलो ये याद रखना कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सेकंड आती है, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स। मुझे कौन बता सकता है जल्दी से कि आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में क्या फर्क होता है? आर्गुमेंट जब हम कॉल करते हैं तो तब जो वैल्यूज देते हैं वो आर्गुमेंट होते हैं, और जब हम उसे डिफाइन कर रहे होते हैं यानी उस इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, उस वक्त जो होते हैं वो हमारे पास पैरामीटर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब दोबारा से हम लोग करते हैं, ठीक है जी। ये किया, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो रेडियल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको इन्वोक कर दिया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे हेलो राहिल लिखा है, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है, पैरामीटर्स डिफाइन करने और आर्गुमेंट्स इसके अंदर पास करने, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं खुद डिफाइन कर लूँ यहाँ पे क्या लिखा होता है, तो पहले मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि मैंने क्या पैरामीटर्स यूज करने हैं। तो मैं पैरामीटर्स यूज करना चाहता हूँ नेम, ठीक है, और टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं स्ट्रिंग लिटरल यूज करूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम, ठीक है, और नेम, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे जब पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, ठीक है, और मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग किया, मैंने फंक्शन को इन्वोक किया है, ठीक है, मेरे पास क्या आया, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि कुछ भी नहीं आता होता, ठीक है। ये क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं की, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले नेम डिफाइन करेंगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या आएगा, गुड मॉर्निंग राहिल। अब अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग पहले लिखूंगा तो फिर क्या होगा? राहिल गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा। हाँ, क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि वो आप पहला हमारा पैरामीटर जो हमने कंसीडर कर लेगा। बिल्कुल, जैसे हम लोग पैरामीटर्स यहाँ पे करते हैं ना, जिस ऑर्डर के अंदर डिफाइन करते हैं, हमें आगे आर्गुमेंट्स भी उसी ऑर्डर के अंदर पास करने, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे नेम पहले डिफाइन किया तो यहाँ पे पहले फिर आर्गुमेंट के अंदर पहले नेम पास होगा। अगर पैरामीटर सेकंड टाइम है, ठीक है, तो आर्गुमेंट हमारी सेकंड क्या होगी, टाइम होगी। ये देखो ऊपर लिखा भी आ रहा है ना, पैरामीटर देख रहे हो, पैरामीटर लिखा आ रहा है, समझ लगती है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है, कोई तरीका है कि मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यूज ऐड कर सकूँ इसकी? क्या हमने पैरामीटर के नेम पास किया उनके आगे इक्वल टू वैल्यू दे? यस, तो अगर आपने किसी की डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आगे आर्गुमेंट्स पास नहीं होती, ठीक है, तो जस्ट यूज दीज वेरिएबल्स दैट आई एम डिफाइनिंग राइट नाउ, ठीक है। बस मैंने नेम की वैल्यूज दे दी, टाइम की वैल्यू दे दी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ और पास करूंगा ना, जब मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम पास करता हूँ हम, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफिनेशन, ठीक है, तो अब वो उसको क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज को, समझ लगती है। और इसको मैं जितनी मर्जी बार वो कर सकता हूँ, ये देखो सेंस बनती है, ठीक है। और मुझे एक और बात बताओ, क्या मैं इस नेम को नहीं बाहर यूज कर सकता हूँ? अगर मैं इसको नेम यहाँ पे कॉल करूँ, क्या मैं कर सकता हूँ इसको नेम बायर कॉल? नहीं, उसका स्कोप खराब हो जाएगा, ब्लॉक स्कोप से। बिल्कुल, जो इसका स्कोप है ना, हाँ, जो हम लोगों ने फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन किए ना, जो जो यहाँ पे अंदर वेरिएबल्स पास हुए, ठीक है, जो उनका स्कोप है वो सिर्फ फंक्शन तक का स्कोप है, इसीलिए इनको फंक्शन पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो सिर्फ स्कोप होगा वो सिर्फ इन ब्लॉक्स के अंदर तक होगा, ठीक है, इसके बाहर नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आप
वेरिएबल, इसलिए वेरिएबल्स के नाम चूज करना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ताकि आप जब कोड लिख रहे हो, जब भी आपका कोड 500-600 लाइंस का होगा, जब 3-4 हज़ार लाइंस का होगा जाके, तब मसला हो जाएगा तो यार अच्छा मैंने ये किधर लिखा था, ये कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। तो कोड पढ़ने के लिए बहुत बेहतर होता है कि हर चीज बड़ी क्लियर कट लिखी हो, समझ आ रही है? ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना? अच्छा, हम लोगों ने डिफॉल्ट वैल्यूज वगैरह भी दे दी, ठीक है जी। अच्छा अब अभी तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे जी, अच्छा ये पैरामीटर में हमें नेम और टाइम का वेरिएबल दिए थे, वहां पे वार या लेट की जरूरत नहीं होती? दोबारा बोले, मुझे आवाज सही नहीं आ रही आपकी। लेट या वार जो हम टाइप करते थे वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, वो फंक्शन के पैरामीटर में देने की जरूरत नहीं होती? अच्छा जो वार है ना, ठीक है वार को चेक करते हैं, वार का मसला क्या होता है? लेट या वार दोनों में से कोई भी चीज, नहीं नहीं लेट यूज कर लो, लेट लेट कॉन्स्ट यूज कर लो, वो तो आप इंटरनल पास कर रहे हो। आप ये कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक है ना, स्ट्रिक्ट टाइपिंग नहीं है, ठीक है, तो आपको मैटर नहीं करता कि आप डेटा टाइप क्या डिफाइन कर रहे हो। नहीं वैसे मैंने कॉन्स्ट पीछे पास किया ना ग्रेट अगेन पे, ये पूरे का पूरा जो है इसके वेरिएबल भी कांस्टेंट हो गए। नहीं नहीं सिर्फ कांस्टेंट तो भाई ये है फंक्शन, सिर्फ फंक्शन का ये वेरिएबल ये वाला का। हाँ जी, इस वेरिएबल का नाम जो है ग्रीड, इसकी टाइप कांस्टेंट है, ये इक्वेट करता है वेरिएबल। यहाँ पे लेट डाल दो, बात तो एक ही, इसका बस ये मतलब बनता है कि आप ग्रीड अगेन को आप किसी और चीज के साथ असाइन कर सकते हो, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अभी ग्रीड अगेन ये है, अब यहाँ पे हेलो हो गया, अब वो रन नहीं करेगा यहाँ पे नीचे, ए, उसने देखा है, उसने क्या कहा है कि क्रिएट अगेन भाई फंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉन्स्ट करूंगा तो मुझे वो चेंज नहीं करने दे सकता, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। मैं फंक्शन एक डिफाइन किया है, मैं नीचे गलती से जाके उसी फंक्शन के नाम से हर चीज डिफाइन कर देता हूँ, और नीचे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा फंक्शन ही चल रहा, समझ आ रही है? ठीक है, तो इस आपके सवाल का जवाब इससे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ एक फंक्शन है भाई, ठीक है। अच्छा अब फंक्शंस की एक और बात होती है जो आप लोगों को मेरे ख्याल से सबको पता है कि फंक्शंस वैल्यूज रिटर्न भी करती है, ठीक है, मैंने नहीं करना कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैंने इसकी फंक्शन की वैल्यू यूज करनी है कहीं और, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फंक्शंस कैन ऑल्सो रिटर्न वैल्यू, ठीक है जी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्स्टाइन करता हूँ कैल्क कैलकुलेट एरिया, ये फंक्शन होगा, ठीक है, ये फंक्शन लेगा रेडियस, ठीक है, और ये हमारे पास लेट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम लोग यहाँ पे एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सर्कल का एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है, अब जब हमने इसको इन्वोक करना होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, कैल एरिया, हम लोग कहते हैं जी 5 रेडियस है, अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रही है, ठीक है, लेकिन अब हम इस वैल्यू को सेव कर सकते हैं किसी और कॉन्स्टेंट के अंदर, किसी और वेरिएबल के अंदर कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं, लेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये देखो। तो अब अगर हम लोग, और मजे की बात देखो, अंदर भी मैंने एरिया डिफाइन किया हुआ है, मैंने बाहर भी एरिया डिफाइन किया है, अब इस एरिया में, इस एरिया में फर्क क्या है, स्कोप का, ठीक है, इसका ग्लोबल स्कोप है, इसका इस फंक्शन के अंदर का स्कोप है, तो इसलिए मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्सोल डॉट लॉग एरिया करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 78.5, ठीक है जी, अब समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना, आप रिटर्न वैल्यूज आप इसकी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे ख्याल से सबको आनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि अब जावास्क्रिप्ट जो है ना, जी आसे जी, इसमें रिटर्न टाइप का कनेक्शन नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं
रिटर्न टाइप वगैरह नहीं आपने देखी होती इसमें, ठीक है। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करोगे ना, टाइप स्क्रिप्ट वो वेरी सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट, लेकिन उस पर आप टाइप्स डिफाइन करते हो, ठीक है, उस पर स्ट्रिक्ट टाइपिंग है, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या आसान तरीका है मेरे पास लिखने का? इसको मैं इन दो लाइनें लिखी है, क्या मैं एक लाइन पे लिख सकता हूँ? कौन बताएगा मुझे कि इसको मैं इतनी एक लाइन पे कैसे लिखूं? सर रिटर्न में वो पूरी इक्वेशन प्रिंट करवा दें। हाँ जी, ये वो कर दें इक्वेशन, ये भी करोगे तो बेसिकली सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास एक सिंपलीफाइड वर्जन हो जो आप रिटर्न कर रहे हो, तो उसको आप एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास आती है तीसरी चीज, इसको कहते हैं एरो फंक्शन, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक बड़ी डायनामिक लैंग्वेज है, इसकी सिंटेक्स वगैरह इंप्रूव होता जा रहा है दिन ब दिन। तो ES6, ES7, ES8 के अंदर इन लोगों ने नया कॉन्सेप्ट यूज करा था जो कहता है एरो फंक्शन, जो कि सिंपलर वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन आप कैसे लिखते हो? आपके पास डिफाइन करते हो, अंदर आप पैरामीटर पास करते हो, ठीक है, इक्वल टू और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ भी आपके पास फंक्शन की बॉडी आती है, आप एरो फंक्शन इस तरह डिफाइन करते हो, देख रहे हो एरोज बन के आप, ठीक है। ये उसका फंक्शन का नाम है, फंक्शन के अंदर ये पैरामीटर पास हो रहा है, ये फंक्शन ये चीज करता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं एरो फंक्शन के अंदर, ठीक है, एरिया एरो फंक्शन, ठीक है। हम लोग क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे? रेडियस, और रेडियस क्या करता है, ठीक है, एरिया कैलकुलेट करता है, ठीक है जी। अब एरो फंक्शन की खास बात यह है कि हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी हैव वन पैरामीटर, ठीक है, वी कैन एक्चुअली रिमूव दिस, ठीक है, और अगर हमारे पास उससे भी सिंपल लाइन पड़ी हो, ठीक है, व्हेन वी हैव वन पैरामीटर we can remove the bracket, okay, and when we have a single return value, bagel line likh lo, okay, we can simplify it further, kaise, theek hai, main likhta hu yahan pe const cal area b, theek hai, ye pass karta hu radius, और ये क्या करेगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2, और जब मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉरी कैल एरिया बी, और इसको मैं इन्वोक करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, सेम आंसर आएगा जो पहले आया था। सबको ये बात समझ आ गई कि एरो फंक्शंस कैसे लिखते हैं? सर अगर हम वो फंक्शन बॉडी के कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं तो रिटर्न लिखना जरूरी होगा वहां पर? हाँ, हाँ जी, यस। और ये सिर्फ ये वाली चीज सिर्फ तब काम करती है, सिर्फ तब काम करती है, ठीक है, जब आपके पास क्या है, जब आपके पास आखिरी लाइन एक सिंप्लीफाइड लाइन, ठीक है, ओनली अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है, अदरवाइज आपको वही ब्रैकेट डाल के यू हैव टू राइट द बॉडी ऑफ द फंक्शन, समझ आती है, सेंस बनती है सबको? यस सर, ठीक है, यस सर, इस तरह आप लिखते हो, ठीक है। अब मैं इसको इसी तरीके से मैं एक और चीज भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, तो मुझे ब्रैकेट डालने पड़ेंगे, ये मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console dot log, ठीक है, hello world, जब मैं ये भी लिखूंगा तो मेरे पास वहां पे यहाँ पे इसको invoke करो,
सेंस बनती है सबको? ठीक है जी, इतना आसान था, ठीक है। लेकिन अगर अब हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो लेता है प्रोडक्ट और टैक्स, ठीक है, और मैं अंदर पास करता हूँ लेट टोटल इक्वल टू जीरो और लेट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास भी अरे है, ठीक है, अरे ऑफ प्राइसेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। तो आप प्रोडक्ट्स के अंदर टोटल ऐड करते जा रहे हो, और यहाँ पे आपने अभी छोड़ दो इस फंक्शन, क्या करता है क्या नहीं करता इसको छोड़ दो, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है, अब हमने इसको करना है किस पे कन्वर्ट, एरो फंक्शन के अंदर। हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, ठीक है, जो इसको एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेगी, ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि हम लोग ने जो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्स बिल डबल ब्रैकेट, एक सिंगल, उसके अंदर हम लोगों ने डबल ब्रैकेट, यहाँ पे हमने पैरामीटर्स पास किए और एरो, दैट्स इट। ये अब एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गए। और ये जरा देखा आपने, साफ तरीका है, आसान तरीका है लिखने का, क्या लिखने का, एक फंक्शन को लिखने का। सबको सेंस बनती है इस बात की? यस सर। गुड। अगली हमारे पास चीज आती है जी, फंक्शंस एंड मेथड्स। फंक्शंस बल्कि फंक्शंस वर्सेस मेथड्स होगा ना, हम जो कि बता सकते हैं फंक्शंस और मेथड्स के अंदर फर्क क्या होता है? सर फंक्शन आप को डिफाइन कर रहे हो तो मेथड्स एक ऑब्जेक्ट में पड़े होते हैं, उधर से आप कॉल कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। और ये तो हो गया एक डिफरेंस का, ये पड़े किधर होते हैं, और दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है कि उनको हम लोग इन्वोक कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, एक तो डिफरेंस अब्दुल रहमान ने बता दिया, difference number one, how we invoke them, ठीक है, और difference number two is what, where they are used slash store, ठीक है जी। अच्छा, सबसे main difference है ना, ठीक है, function, चलो जी इधर function एक define करते हैं, ठीक है, बल्कि यहाँ पे ऊपर में नाम डिफाइन करता हूं, ठीक है, मैं यहां पे नया फंक्शन डिफाइन करता हूं, ठीक है जी, और यहां पे लेट रिजल्ट टू कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जी हेलो, ठीक है। ये था फंक्शन, ठीक है, लेट्स लुक एट मेथड, ठीक है। मेथड जो होता है, मेथड को हम लोग इन्वोक करते हैं डॉट नोटेशन यूज करके, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है, इसका हम लोग कहेंगे अपर केस, ठीक है, हम लोगों ने कहा न्यू नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है, हमने मेथड इसके साथ इन्वोक कर दिया। जब हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे अपर केस को, तो देखो हमारे पास राहिल आ गया अपर केस के अंदर। तो बेसिकली डिफरेंस बड़ा आसान सा है, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को एक प्रॉपर तरीके से इन्वोक किया है, और यहाँ पे हमने मेथड को यूज किया है विद द डॉट नोटेशन, ठीक है। और जो
जैसे अभी ये मेरे पास लिस्ट नहीं आ रही, अभी असद ने बोला था ना, असद ने कहा था, अब्दुलरहमान ने कहा था, मैंने कहा था, दोनों में से एक बंदा बोले ना यार, अब्दुलरहमान ने कहा था ना, असद ने कहा था सर, असद ने कहा था, ठीक है जी, असद ने, जैसे असद ने अभी बताया ना कि आपके पास जो मेथड्स होते हैं वो आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करते हो, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको यूज करते हो बाय यूजिंग अ डॉट नोटेशन, ठीक है। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं विद मेथड्स, ठीक है, जो आप लोगों ने याद रखने, और हम लोग अपने मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं जो भी हम लोग आगे जाके करेंगे, ठीक है। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए, ठीक है, आप लोगों को पता है कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? किसको पता है कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं या कॉल बैक्स क्या होते हैं? किसी को नहीं पता? चलो करते हैं। अच्छा, जो फंक्शन फंक्शन के आर्गुमेंट में पास किया जाए, वो फंक्शन उसके आर्गुमेंट में दूसरा फंक्शन पास किया जाता है। यस, बिल्कुल जी, व्हेन वी पास अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट इट इज कॉल्ड कॉल बैक, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कौन किया माय फंक्शन, ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया समथिंग, और मैंने यहाँ पे पास करवा दिया कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब लेट वैल्यू 50, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट अ कॉल बैक फंक्शन लुक्स लाइक। कॉल बैक फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे होगा माय फंक्शन, ठीक है, माय फंक्शन जो भी है वो लेगा वैल्यू, ठीक है, और वो यहाँ पे आप इसकी डू समथिंग डाल दें, सेंस बनती है जी, ठीक है, कि आपने एक फंक्शन पकड़ा, ठीक है, इस तरह आप डिफाइन करते हो एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, आपने माय फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, माय फंक्शन आपने ऊपर माय फंक डिफाइन किया, ठीक है, और अंदर आपने कोई भी फंक्शन पास करवा दिया। अब टू मेक दिस वर्क, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या ऐड करनी पड़ेगी, एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा जो कुछ करता हो, ठीक है, जो इस वैल्यू को लेके, ठीक है, इस वैल्यू के साथ कुछ करता हो। हम लोग एक इसकी एग्जांपल देखते हैं, जो हमने मेरे ख्याल से लास्ट टाइम देखी हुई थी, हमारे पास एक अरे है, ठीक है, हम लोगों ने यूज किया था फॉर ईच मेथड, फॉर ईच मेथड इज द परफेक्ट एग्जांपल इन विच हमें नजर आता है कि कॉल बैक फंक्शंस कैसे रन होते हैं, ठीक है। हमने कहा जी पीपल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच मेथड लगाएंगे। अब ये देखो ऊपर आपके पास लिखा भी आता है, ठीक है, यहाँ पे उसने कहा कि अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्ग्यूमेंट्स फॉर ईच कॉल द कॉल बैक फंक्शन फंक्शन 1 टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे, ठीक है, ये लेते हैं आपसे कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जिसपे आप उसकी वैल्यू डिफाइन करते हो, इंडेक्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, और अरे पास कर सकते हो, ठीक है, और मजे की बात है दिस डजंट रियली रिटर्न एनीथिंग दिस फंक्शन, ठीक है, वर्ड है। चलो जी ये सब सबको सेंस बन गई है, चलें यहाँ पे कहता है कि ये लेता है एक फंक्शन, ठीक है, और ये फंक्शन कब रन होगा, हर एलिमेंट के ऊपर रन होगा, ठीक है, ये देखना था, ये देखो 3 बार समथिंग प्रिंट हुआ। इसने क्या किया, इसने कहा कि यार इस पीपल की अरे के ऊपर हर एलिमेंट के ऊपर आपने ये फंक्शन कॉल करना बेसिकली, ठीक है। अब हम लोगों ने जब यहाँ पे फंक्शन लिखा था, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे
एक और चीज पढ़ी थी कि वो कहता है कि आप यहाँ पे हमें वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, या नंबर पास कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन हम पास कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, ठीक है, एरो फंक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करवाना है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई पैरामीटर पास नहीं हो, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि आपने फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ हम लोग पैरामीटर पास किया क्या, पर्सन, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर इस एरे में से, ठीक है, उसने हर एलिमेंट को पकड़ा, ठीक है, उस हर एलिमेंट को पकड़ के जो हम लोगों ने उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हम लोगों ने यहाँ पे पास करवा दिया, ठीक है। और अब देखना, हम लोगों ने पर्सन किया तो हमारे पास क्या आएगा, नाम आ गए हमारे पास, हर उस अरे के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई थी वो हमारे पास सामने आ, ठीक है। इसको और आसान तरीका लिखने का इज बाय यूजिंग व्हाट, एरो फंक्शंस, ठीक है, कि फॉर ईच, यहाँ पे हम लोग लेंगे पर्सन, कोई भी एलिमेंट हो सकता है इन दी अरे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करवा के पर्सन करवा देंगे और हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्या हर बात की सेंस बनती, चीज क्लियर है? कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, रिपीट कर दूं? सर रिपीट, जी सर। अच्छा भी कर देता हूँ, देखो जी कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, और इसी तरह जी, और इसी तरह रिपीट कर दें। हाँ जी, मैं सारा कुछ रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है जी, कॉल बैक फंक्शन वो होता है जिसके जिसकी आर्गुमेंट के अंदर हम एक फंक्शन पास करवाते हैं, बस, ठीक है, ये कॉल बैक होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक मेथड इन्वोक किया फॉर ईच का, फॉर ईच लेता है अंदर अपने एक कॉल बैक फंक्शन, वो कॉल बैक फंक्शन कुछ करता है, ठीक है। जो फॉर ईच मेथड है ना, ठीक है, वो एक पहले जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा। अब हमने डिफाइन करना है कि जब वो राहिल पे आया है तो वो करे क्या, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया यहाँ पे एक फंक्शन, ठीक है, क्योंकि वो लेता है, उसकी जो इंटरनल आर्ग्यूमेंट है वो लेता ही एक कॉल बैक फंक्शन। वो फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन ने कुछ किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, इसको एक नई लिस्ट के अंदर अपेंड करा सकते हैं, हम लोग इस एलिमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिखने का तरीका क्या होता है कि वो हमने फॉर ईच के अंदर हमने क्या पास करवाना है, एक फंक्शन जो कि है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर फंक्शन पास करवाया, हमने बता दिया कि फंक्शन करता क्या है। नेक्स्ट हमने कहा कि हम लोग तो सिर्फ ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो कि समथिंग करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग इसके हर एलिमेंट को प्रिंट भी करवाएं, ठीक है। हमने पास करवा दिया उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर, ठीक है, और हम लोगों ने लॉग करवा दिया उसको। तो फॉर ईच आगे पास क्या करवा रहा है, पास करवा रहा है वैल्यू, किस चीज की वैल्यू, इस अरे के अंदर उस हर एलिमेंट की वैल्यू हम आगे इस फंक्शन के अंदर पास कर सकते, सेंस बनती, ठीक है। यस सर। और फिर हमने कहा कि यार इसको आसान तरीका, और आसान तरीका क्या है लिखने का, वो है एरो फंक्शन यूज करके, कि हमने डिफाइन किया कि यार अच्छा ये पैरामीटर है, ठीक है, और ये आगे फंक्शन की बॉडी हमने डिफाइन कर, समझ आ गई। और इसी मेथड के अंदर हम लोगों ने जब लिखा था ये मेथड, उसने कहा था कि ये तीन आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक वैल्यू लेता है, इंडेक्स लेता है, और कोई अरे ले सकता है। तो हम लोग इसको एक और वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, एक हमने दे दी थी पर्सन, एक हम लोग देते हैं इंडेक्स, ठीक है जी। अब इसको हम लोग, क्योंकि दो है, इसको हम लोगों को ब्रैकेट में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है, करके ये साथ साथ हमें इंडेक्स भी दे देगा, वो देखो राहिल इज एट इंडेक्स 0, अहमद इज एट इंडेक्स 1, एंड डेफिनेशन इज एट इंडेक्स 2 इन दिस स्पेसिफिक अरे। अभी इसके मेथड्स जो है ना, अरे मेथड्स हम लोग आगे जाके और पढ़ेंगे,
लेकिन वो सारे हैं ही कॉल बैक फंक्शन, मजे की बात यह है उन सबका सेम तरीके का सिंटैक्स है। सबको सेंस बनती है? यस सर। चलो गुड हो गया सर। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो इंडेक्स ऑफ या लास्ट इंडेक्स पढ़ा था वो भी फंक्शंस ही थे। अब वो फंक्शन यस मेथड्स थे। बिल्कुल ठीक है। इन शॉर्ट कॉल बैक फंक्शन आर जस्ट नॉर्मल फंक्शंस दैट वी पास इनटू अनदर फंक्शन और अनदर मेथड एज आर्गुमेंट्स। दैट्स ऑल। अब थोड़ा सी और एग्जांपल ले लेते हैं ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में ये कैसे यूज होता है ठीक है जी। ओके सो लेट्स सी कॉल बैक फंक्शंस ठीक है। मैं जरा यहाँ पे जाके इंडेक्स के अंदर जाके मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। यूएल डॉट इसको मैं क्लास देता हूँ पीपल की ठीक है जी। ये मैंने एक यूएल बना लिया ठीक है, एक लिस्ट बना ली अनऑर्डर्ड लिस्ट और मैंने इस पर दे दी क्लास ठीक है। अभी अगर समझ ना भी आए तो कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे एक कॉन्स डिफाइन करता हूँ ठीक है, जिसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और वहां से मैं अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने अपनी एलिमेंट्स के अंदर से इस डॉक्यूमेंट वाले से मैंने ये चीज सिलेक्ट कर ली है, ये चीज सिलेक्ट कर ली है ठीक है। ये मैंने जी क्वेरी सिलेक्टर कर लिया सर, मैं इसी तरीका उपयोग किया। ये मेरे पास बॉडी ठीक है, बॉडी के अंदर से मैंने यूआर का टैग पकड़ लिया। यहाँ पे भी मैंने यही किया कि मैंने डॉक्यूमेंट है मेरा पूरा, ये डॉक्यूमेंट है, वहां से मैंने यूज किया क्वेरी सिलेक्टर। ये भी हम आगे जाके अगला जो लेक्चर होगा ना वो होगा इसी के ऊपर, डॉम कैसे आपने चीजें कैसे आपने शो करवानी ऑन द ब्राउजर ठीक है। तो अभी ये नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं, उसमें से मैंने डॉट पीपल करके मैंने यहाँ पे ये ले लिया ठीक है। फिर मैंने डिफाइन की एक न्यू अरे ठीक है जी, तो मैंने दे दिया सर ठीक है और डेफिनेशन ठीक है जी। हम मैंने ये डिफाइन कर दिया। मैंने फिर क्या डिफाइन किया, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे HTML इन प्रिंट करवाना है ठीक है। मैंने कहा जी लेट HTML इज माई एम्प्टी टेम्पलेट लेटर ठीक है। मैंने कहा जी न्यू पीपल डॉट फॉर ईच के अंदर जो हमारे पास पर्सन है ना ठीक है, उसको पकड़ते हैं ऐसे ठीक है और उसको हम लोग अपेंड करवा देते हैं वन बाय वन HTML के अंदर ठीक है। हम लोग चाहते लिस्ट हो ठीक है, इसका स्टाइल हो कलर पर्पल, टैग बंद किया और अंदर हम लोगों ने डाल दिया पर्सन का नाम ठीक है और हम लोगों ने टैग क्लोज कर दिया ठीक है जी। अब इसने क्या किया ठीक है, इसने बारी बारी इस एलिमेंट को पकड़ा ठीक है और इसको इस HTML के अंदर ठीक है ये चीज क्या करवाता गया, अपेंड करवाता गया ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि जो हमारा ये यूएल है जो कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर है ठीक है, इसके इनर HTML के अंदर जो कि इसका इनर HTML है जो इस टैग के अंदर है, आप उसके अंदर HTML अपेंड करवा दो वो देखो। और हमारे पास यहाँ पे लिस्ट बन के आ गई। कैसा लगा जादू आप लोगों को, जावास्क्रिप्ट इतना पावरफुल है, सेंस बनी है सबको कि देखो मैंने फॉर ईच मेथड कैसे यूज किया। ये चीज क्लियर है सबको तो थोड़ा रिपीट कर दें ये। क्या रिपीट करूं मुताहिर, जरा बताओ। सही, जो फॉर न्यू पीपल फॉर ईच पर्सन जो आपने फंक्शन बनाया है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो यार। अच्छा, हम लोगों ने न्यू पीपल एक अरे है, अरे के ऊपर हम लोगों ने फॉर ईच का मेथड कॉल किया। फॉर ईच बेसिकली एक फॉर लूप है ठीक है, जो कि वन बाय वन
इसको पकड़ एक एक एलिमेंट के ऊपर आइट्रेट करता है, ठीक है, सही है। हमने कहा जी आप न्यू पीपल के ऊपर फॉर ईच का मेथड लगाएं, ठीक है, जिसके ऊपर क्या हो, ये पर्सन आए, ठीक है, ये पर्सन, इसको कुछ भी लिख सकते हो, एलिमेंट लिख सकते हो, आई जो होता है इंडेक्स, ठीक है, ये बस इंडेक्स की वैल्यू को पकड़ता है, ठीक है, सही है जी। हमने कहा ये पर्सन को आप पकड़ो, पर्सन क्या है असल में, ये पहला एलिमेंट है उसकी वैल्यू, उसको आप इस HTML के अंदर अपेंड करवा दो बस, और हम अपेंड करने के लिए ये प्लस इस इक्वल्स यूज कर रहे हैं। उसमें वो लिस्ट HTML टैग हम लोगों ने अपेंड करवाया, जिसके अंदर HTML टैग की वैल्यू इस पर्सन की वैल्यू है, ठीक है। वो जब HTML के अंदर आया तो बेसिकली, अब मैं अगर कॉन्सोल डॉट लॉग करता हूँ ना HTML, तो देखो मेरे पास आता क्या, मेरे पास ये पूरा HTML आ जाता है। अगर मैं इसको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करूंगा तब भी चल जाएगा, लेकिन मैंने इसको डायनामिक किया इसके साथ, और मैंने इसको अपेंड कर दिया UL की जो मैंने यहाँ पे क्लास चूज की थी उसके इनर HTML के अंदर मैंने ये पूरा कोड डाल दिया, बस समझ आ गई। यस सर, ठीक है जी, ले बस ये यहाँ पे असल क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग रेफरेंस क्लास और द टैग दैट वी वांट, ये जी हो रहा है, ठीक है जी। चलो ये तो हो गया हमारे पास खत्म, अब आती है हमारी ऑब्जेक्ट लिटरल्स की बात। मेरे ख्याल से आज पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुश्किल जो टॉपिक होगा वो यही था, कॉल बैक फंक्शन आपने कैसे समझे, अगर आपको कॉल बैक फंक्शन समझ आ जाते हैं तो आई थिंक ना कोई मसला नहीं। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट अ ग्लांस, ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन रियल लाइफ इज काइंड ऑफ लाइक अ पर्सन, ठीक है, दे हैव प्रॉपर्टीज एंड दे डू समथिंग, बेसिकली प्रॉपर्टीज से मुराद है, एक अगर इंसान की बात करें तो उसकी एज होती है, नेम होता है, ठीक है, जेंडर होता है, ठीक है, एंड देन दे डू समथिंग, क्या कर सकते हैं वो, दे कैन जंप, दे कैन रन, ठीक है, दे कैन स्पीक, ठीक है। इसी तरीके से ही एक अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर भी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूजर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यूजर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी जो मैंने अभी ऊपर डिफाइन किया, उसका ईमेल हो सकता है, उसका यूजर नेम हो सकता है, ठीक है, लोकेशन हो सकती है, ठीक है, उसके बाद उसका मेथड्स हो सकते हैं जो कि बेसिकली क्या है, फंक्शन है, वो मेथड्स क्या हो सकते हैं, वो लॉग इन कर सकता है, वो लॉग आउट कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये बेसिकली आपने ऑब्जेक्ट ये है बेसिकली, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोगों ने क्रिएट कैसे करना है न्यू ऑब्जेक्ट, सबको पता है, ठीक है, लेट यूजर, और हम लोग यहाँ पे दो कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, ठीक, ये हमारा हो गया क्या भाई, यूजर डिफाइन हो गया, और ये कैसे काम करता है, ये ऐसे में काम करता है एज अ की वैल्यू पेयर, ठीक है। इसके अंदर अब हम लोग क्या क्या चीज डिफाइन कर सकते हैं, नेम, मैं कहता हूँ जी नेम राहील, ठीक है, एज 25, ठीक है, ईमेल, लोकेशन, सिटी, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसके अंदर एक और चीज भी डिफाइन कर सकता हूँ, वो क्या है, अरे भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है जी, HTML, CSS, ठीक है जी, ये हमारा यूजर डिफाइन हो गया। अब मैंने अगर यूजर को इनवोक करना हो या मैंने एक्सेस करनी हो, हाउ टू एक्सेस यूजर मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज,
ये मुझे कौन बता सकता है इस चीज कैसे करते हैं इसको एक्सेस? सर यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट एज, इस चीज को क्या कहते हैं? डॉट नोटेशन। यस डॉट नोटेशन, ये कीवर्ड्स होते हैं, ये याद करना जरूरी होता है। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग यूजर डॉट नेम, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रखी आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग कॉन्सोल डॉट लॉग यूजर डॉट एज कर सकते हैं, यूजर डॉट एज आ सकता, हम यूजर डॉट एज को चेंज कर सकते हैं और फिर हम दोबारा यूजर डॉट कॉन्सोल डॉट लॉग करेंगे और हमारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है जी, सही है। दूसरी भी हम लोगों ने याद की थी, ठीक है, एक और भी था, किसको याद है कि दूसरा वे क्या होता है एक्सेस करने का? ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एज, ठीक है, और इसको हम लोग एक सेकंड सॉरी डॉट लॉग, ठीक है, यूजर, इसके साथ हम लोग ईमेल इसका कर लेते हैं। ठीक है जी, ईमेल करेंगे, यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे चीजें असाइन की हैं, हम लोग यहाँ पे भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भला, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लोकेशन, ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लाहौर, ठीक है, और कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं। तो जब यहाँ पे करेंगे हमारे पास लाहौर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसी चीज को पकड़ के हम लोग एक और चीज भी कर सकते हैं कि हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट की, ठीक है, इज लोकेशन। अब ये हम लोगों ने डिपेंड करा दिया कि ये यूजर खुद ही चूज कर सकता है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ की ऐड करेंगे, हमारे पास चीजें सही चलेंगी। ठीक है, अब बात आती है कि हाउ डू वी एड। अब हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक अरे का डॉट फॉर ईच मेथड होता है, ठीक है, अब हम लोगों ने कहा कि ऐसे उसे डिफाइन कैसे किया था, हम डिफाइन करते हैं खुद। ठीक है, अब थर्ड चीज है कि हाउ डू वी एड मेथड्स टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कॉपी करता हूँ, लेट यूजर, और यहाँ मैं लिखता हूँ यूजर मेथड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीजें डिफाइन की है ना, मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लॉग इन, जो कि होगा एक फंक्शन, और यहाँ पे वो क्या करता होगा, यूजर लॉग इन, बस समझ आ रही। ठीक है, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ इसका। ठीक है, कैसे कर सकता हूँ, सेम मेथड मेरा डॉट लॉग इन, यूजर लॉग इन, इनवोक हो गया। इसी तरीके से मैं एक और यहाँ पे फंक्शन डाल मेथड डाल सकता हूँ, जितने मर्जी मेथड डालने डालो, सिंपल, सेंस बनती है सबको, ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ भाई बताओ ना, खामोश क्यों? चलो गुड, ठीक है, अब हम लोगों ने एक और करना है, उसका नाम है लॉग कोर्सेज। हम चाहते हैं जी ये जो मेथड हम लिखे ना, तो हमें सारे कॉन्सोल के अंदर ना सारे हमारे कोर्सेज की लिस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पे लॉग कोर्सेज, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ये, और ये फंक्शन लेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन करेगा, दिस इज इंटरेस्टिंग, किस किस को पता है दिस कीवर्ड का, दिस कीवर्ड क्या होता है?
बेसिकली जो मेथड हो गया आपका या क्लास हो गई, आप उसी के इंस्टेंस को जो है बता रहे होते हो सी को एक्सेस करने। असल में तो दिस कीवर्ड है ना, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कीवर्ड है, ठीक है, ये होता है यूज्ड, दिस इज यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन एन ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक है। अगर मैं यहां पे, ठीक है, मैं यहां पे यूज करता हूं कॉन्सोल डॉट लॉग और मैं दिस को कॉल करता हूं, ठीक है, अगर यहां पे नीचे लिखता हूं वो देखो मेरे पास उसने क्या मुझे निकाल के दे दिया, मेरे पास उसने मुझे पूरा ऑब्जेक्ट निकाल के दे दिया। इसका मतलब है कि इस चीज के अंदर वो दिस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है यूजर मेथड्स का, जिसके अंदर मेरे पास ये नेम है, एज है, ईमेल है, ये सारा लोकेशन वगैरह भी आती है, समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं यहां पे बाहर यूज करता हूं, ठीक है, तो फिर देखना मेरे पास ये विंडो आ जाएगी, ये पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। सॉरी ये खुलने में टाइम लेगा मेरे ख्याल से, ये देखो अलर्ट, ये सारा कुछ आ जाएगा, देख रहे हो, लोकल स्टोरेज। इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट कहीं पे भी उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जहां पे वो मौजूद होती है, उस चीज को क्या करती है, उस चीज को रेफरेंस करती है, रेफर करती है, ठीक है। तो अगर मैंने अब यहां पे इस लॉग कोर्सेस के अंदर आई हैव टू एक्सेस दिस थिंग, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा यहां पे दिस कीवर्ड, ठीक है। और एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि very careful with the words, this keyword is a context provider, ठीक है, या context object कह लो, that represents the context in which it is currently used, ठीक है जी, और the code is executed, बड़ा simple है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने यहां पे ये मेथड यूज करना है कोर्सेज का, तो मैं तो यहाँ पे अगर खाली कोर्सेज लिखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, वो देखो मैंने कोर्सेज लिखा, उसने खुद ही दिस डॉट कोर्सेज डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये दिस कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँ या मेथड कॉल करूँ तो ये मुझे इसको प्रिंट करके देते हैं, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, दिस डॉट कोर्सेज डॉट फॉर ईच मेथड, फॉर ईच मेथड के अंदर हम लोग कोर्स पकड़ेंगे और उस कोर्स को हम लोग क्या करेंगे, करवा देंगे, और जब हम इसको नीचे जाके इनवोक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास HTML, CSS, JavaScript, Figma, हमारे पास ये सारा कुछ आ जाएगा। सेंस बनती है सबको, ये बात क्लियर है या क्लियर नहीं है? यस सर, क्लियर है। अब इसी चीज को ना लॉग कोर्सेज जो हमने लिखे हैं, इसको हम लोग और सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं, हमें ये पूरे डॉट डालने की, फंक्शन डालने की जरूरत नहीं है। कैसे वाला, हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे log courses, that's it, या मैं अंदर मेथड डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसके अंदर आप this dot courses dot for each, ये अंदर कोर्स पकड़ेगा, ठीक है, और ये कर देगा console dot log, ठीक है, इसको बेशक आप आपके पास सेम आंसर आया। तो इनको लिखने का क्या तरीका था, और या आप सीधी तरह से इसको ही आप नाम दें, फंक्शन डिफाइन करें, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स कॉल करके आप चीजें लिखते हैं, ठीक है जी। सेंस बनती है सबको, ये चीज क्लियर है, दिस कीवर्ड क्लियर है, क्योंकि जब हम लोग असल में बेसिकली ये जो अभी आपने किया है ना, ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो असल में आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और आपकी जो क्लासेस वगैरह है वो बड़ी सिमिलर है,
ये सेम फॉर्मेट नहीं फॉलो करती क्या? आप नेम डिफाइन करते हो, चीजें डिफाइन करते हो, फिर आप उसके नीचे अंदर मेथड्स डाल के डिफाइन करते हो और आप उन मेथड्स को आप इन्वोक करते हो, लेकिन उसका सिर्फ एक सिंटैक्स डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिफरेंट है, उसको और पावरफुल बनाती है, लेकिन दिस इज वेयर इट ऑल कम्स फ्रॉम। इसलिए ऑब्जेक्ट्स को समझना इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे बता दो कि अगर क्लियर है या नहीं है भाई। यस सर, क्लियर है। चलो गुड, अच्छा जी, उसके बाद आता है जी हमारे पास अरेज, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर अरेज, ठीक है। बेसिकली अब जो हम लोग करने लगे ना, दिस इज द फॉर्मेट, मोस्ट ऑफ द फॉर्मेट फॉर्मेट वी विल यूज बिकॉज दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द डेटाबेस। जब हमारे पास कोई जेसन फाइल आती है ना, तो वो मोस्टली इस फॉर्मेट के अंदर होती है, अरे होती है, ठीक है, अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, उसका टाइटल होगा इंट्रो टू एचटीएमएल, और अंदर एक और होगा, इसके अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं, 30, एक ये हो गया दूसरा टाइटल, सीएसएस स्टूडेंट्स कितने हैं, 40, तीसरा टाइटल इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट, 50। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास पीछे से जेसन फाइल इस फॉर्मेट के अंदर आती है, ठीक है। अब मैं यहां पे दोबारा इसी को पकड़ता हूं, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। इसके अंदर भी हम लोग अब कोर्सेज के अंदर, यहाँ पे हमारे पास ये है, हम लोग इस कोर्सेज के अंदर हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर देते हैं जी, ठीक है, ये ले जी, ठीक हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको आराम से किसी भी तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखना जरा, अब हमारे पास क्या आता है, ये देखो, अब हमारे पास क्या आया, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम लोग सिर्फ चाहते हैं इसका टाइटल निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोर्स है जो कि बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब आपने इसका टाइटल निकालना, कैसे निकालोगे मुझे बता सकते हैं कि मैं इस कोड के अंदर क्या चीज चेंज करूंगा कि मेरे पास ये टाइटल आ जाए? कोर्स डॉट टाइटल करके, डॉट नोटेशन, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि कोर्स आपके पास अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोर्स और टाइटल करेंगे आपके पास यहाँ पे क्या क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे सिर्फ टाइटल आ जाएंगे। क्लियर होगी बात सबको, ठीक है। इसी तरीके से, क्योंकि जब आपके पास पीछे से यूजर का डेटा आना है ना, यूजर नेम पासवर्ड, तो आप इसी तरीके से करके उसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, ले जी, ये भी हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है सर, फंक्शन के बगैर हम नहीं एक्सेस कर सकते बाहर। क्या मतलब फंक्शन के बगैर? मतलब इधर जो हमने फंक्शन बनाया ना, उसको टाइटल्स और स्टूडेंट्स को एक्सेस करने के लिए, लेकिन अगर फंक्शन ना बनाओ और उसको वैसे ही एक्सेस करना हो बाहर, कर लेते हैं जी, देख लेते हैं। यूजर डॉट ऑब्जेक्ट कोर्सेज, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। नहीं, अगर अगर सिर्फ टाइटल एक्सेस करना हो, हाँ ना, अच्छा सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखते हैं ना होता है क्या भाई, चल
कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. नहीं क्यों नहीं हुआ? अनडिफाइंड लिखा आ रहा है क्योंकि कोर्सेस के अंदर पहले एक कोर्स है, ठीक है. कोर्सेस के आप अब मतलब मुझे आप ये कहना चाह रहे हो कोर्सेस के अंदर तो एक कोर्स है, ठीक है. अब उस कोर्स के अंदर टाइटल है. कोर्सेस तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है ना. हाँ जी. यहाँ पे बेशक कोर्सेज और कोर्स और टाइटल लिख देता हूँ. टाइटल है ही नहीं भाई, इट्स अनडिफाइंड. अच्छा तो वैसे हम अगर कोर्स के ऑब्जेक्ट्स के नाम दे सकते हैं यहाँ पर. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स, ठीक है, ये आ गया, ठीक है. अरे है ना अंदर, अरे है पहला एलिमेंट पकड़ा. अब इस पहले एलिमेंट का मैं टाइटल निकाल सकता हूँ. ये लो इंट्रो टू एचटीएमएल. नहीं आता. क्यों आता भाई? अंदर कोर्स किधर है? क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम ही नहीं वहां पर. मतलब भाई किधर है यहाँ पे कोर्स? जो कोर्स है वो तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको ए कर दो, बी कर दो, जो मर्जी कर दो. वो तो हमने कहा आई नहीं लिखते होते, फोर लूप नहीं लगाते भाई. और लेट आई इक्वल टू 0, ये आई क्या है? इंडेक्स है. इंडेक्स किसको रिफर करता है? पहले एलिमेंट को, 0 को. जब हम यहाँ पे कोई चीज का डाल के आई डालते हैं तो वो उसका एलिमेंट होता है, वैल्यू होती है. यहाँ पे हमें वो डायरेक्ट वैल्यू दे देता है. आप समझ आ रही है कि अंदर असल में देखो ना अरे है, ठीक है. उस अरे का पहले आपने पहला एलिमेंट पकड़ा, उस पहले एलिमेंट के अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास टाइटल है और उसके अंदर हमारे पास क्या है? स्टूडेंट्स है. और हम लोगों ने वो यहाँ पे इस तरह शो करा दी, ठीक है जी. क्लियर है? अच्छा एक चीज और पूछनी थी जी. ये और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला क्लासेस और कंस्ट्रक्टर से मिलता जुलता है. क्लासेस में तो हम डाटा नहीं देते थे ना, वो तो हम व्यू करके फिर बनाते थे ऑब्जेक्ट और देन डाटा देते, ऑब्जेक्ट बनाते थे ना. डाटा तो हम यहाँ पे भी नहीं दे रहे यार, कर तो हम लोग यहाँ पे भी डिफाइन रहे हैं. ये लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. मेरे पास पीछे से डेटाबेस से डेटा आता है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा. मसला क्या है? मुझे अपेंडी करवाना है ना मैंने. अच्छा वेरिएबल के थ्रू आएगा, उसमें आप वो एज की इज इक्वल 25 जहां लिखा वहां वेरिएबल नेम आ जाएगा ना. कुछ भी डाल सकते हो यार, दिस डॉट करके उसका. हाँ इसको चेंज कर सकते हो ना. लेकिन आपकी बड़ी अच्छी बात है, पॉसिबल है यही रीजन हो कि लोग सारे किसकी तरफ मूव करते हैं. क्योंकि आप वहां पे क्या डिफाइन करते हो? कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो एक क्लास के अंदर, ठीक है. कंस्ट्रक्टर आता है आपके पास, ठीक है. कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास क्या आता है? नाम आते हैं, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट समथिंग, ठीक है. आप डिफाइन कर लेते हो, ठीक है. इस पर अभी फिलहाल ऐसा नहीं होता, लेकिन इस पर आप कॉल करना चाहो तो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है जी. अच्छा उसके बाद छठा है हमारे पास बड़ा सिंपल, मैथ ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास लाइब्रेरी है इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है. इसके ऊपर आप कुछ भी मैथमेटिक फॉर्मुलेशन लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैथ, कैपिटल एम से होता है, ठीक है. मेरे पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट खुल के आ जाएगा, ठीक है. इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखो कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज मौजूद है. ये देखो ई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, ठीक है. लॉग की वैल्यू है, लॉग निकाल सकते हो. मेन मैक्स साइन थीटा निकाल सकते हो, टैन थीटा निकाल सकते हो, ठीक है. राउंड कर सकते हो, रैंडम जनरेट कर सकते हो, ठीक है. अब देखो मैथ डॉट कैपिटल पाई, क्योंकि पी यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है. अब इसकी वैल्यू होती है 3.14, आप वो निकाल सकते हो, ठीक है. अब इसी तरीके से आपके पास पाई है मैथ डॉट पाई, ठीक है. लेट, ठीक है जी, सही हो गया. अब हम लोगों ने कहना है कि यार ये 3.14 बहुत लंबा आ रहा है, इसको मुझे राउंड करके दो, ठीक है. तो मैं क्या कर सकता हूँ,
राउंड यूज कर सकता हूँ पाई के ऊपर, वो मुझे टू द नियरेस्ट इंटीजर राउंड कर देगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ 3 डिजिट चाहिए, ये उधर ही करता है, ठीक है, बस आपने नंबर पास कर दिया, ठीक है, ये आपको नियरेस्ट इंटीजर आपको राउंड कर देता है, ठीक है। नीचे आपने कहा कि अब 3.14 था, ठीक है, ये 3 हो गया। अब मैं इसको एक और चीज भी कर सकता हूँ कि मैथ डॉट फ्लोर के जो इसकी लोएस्ट है जी वो क्या है 3, कभी यहाँ से 3 आएगा, ठीक है। मैं अब करता हूँ यहाँ पे इसका ऑपोजिट सीएल, ठीक है, इसको ऐड करता हूँ तो 4, ये 3 से ऊपर 4 है, 3 के नीचे क्या है बॉटम पे, अल्लाह भला करे आपका बॉटम है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास होता है कि आप नंबर्स भी जनरेट कर सकते हो रैंडमली, ठीक है, ठीक है, जनरेट कर सकते हो रैंडम नंबर्स, ठीक है। ये आप कैसे कर सकते हो, कॉन्स्ट रैंडम मैथ डॉट रैंडम वाला मेथड इन्वोक करके, ठीक है, और यहाँ पे आप कॉन्सोल डॉट लॉग करोगे तो रैंडम लिखोगे, आपके पास हमेशा जब जब चेंज करते जाओगे आपके पास चेंज करेगा। यहाँ पे भी वो देखो 0.28 आया, दोबारा सेव किया 0.9 आया, नोटिस करो कि ये हमेशा 0 से 1 के दरमियान रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप रैंडम करो लेकिन ये हो बिटवीन व्हाट, बिटवीन हो 100 के, 1 और 100 के दरमियान, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 के साथ इस वैल्यू को, ठीक है। तो अभी हमेशा 10 से लेके ऊपर तक ही होगा, मल्टीप्लाई 100 की हुआ, ओहो आप डिवाइड कर दो, वो बाद में डिवाइड करते हैं उसके बाद कैलकुलेटर के बाद। ओहो सॉरी यार, सॉरी मैं तो रैंडम क्यों जनरेट कर रहा हूँ, राउंड ये 804 आ गया, 100 आ गया, ठीक है, 21 हो गया, ठीक है जी। अब हमारे पास आखिरी बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि है, हमने लास्ट में पढ़ी थी, प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस टाइप्स, राइट। कौन मुझे बता सकता है प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप के अंदर क्या फर्क होता था? परसों पढ़ा यार, इतनी जल्दी भूल भी गए हो, ऐसे तो ना करो। इसको पता है जी, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जो बेसिक टाइप्स होती हैं वो इंट और स्ट्रिंग और रेफरेंस टाइप जो जो क्लास क्या कहते हैं सर, जो एड्रेस के थ्रू होती है हमारी, उसमें पॉइंटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। होती क्या है भाई, नाम तो लो, नाम अभी तक किसी ने नहीं दिया, फंक्शंस वगैरह, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, यस, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर आपके पास होते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस, नल, अनडिफाइंड, ठीक है, और सिंबल्स, ठीक है। और हमारे पास रेफरेंस टाइप के अंदर होते हैं क्या होता है जी, हमारे पास ऑब्जेक्ट लिटरल्स, अरेज, फंक्शंस, डेट्स, ठीक है, ऑल अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है जी। अब इन दोनों में फर्क पता क्या है, इन दोनों में फर्क है कि ये दोनों मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होते हैं, ठीक है। जो प्रिमिटिव टाइप है आप लोगों ने स्टैक पढ़ा हुआ, ठीक है, अब स्टैक याद है सबको, या नहीं पढ़ा हुआ स्टैक? स्टैक नहीं पढ़ा अभी,
अच्छा मतलब पता है, ठीक है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा जी यहाँ पे हाँ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपके पास जो स्टैक है ना, ठीक है, अब आपके पास किताबों का स्टैक होता है ना, ठीक है, कि आपके पास एक किताब सबसे नीचे होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक किताब होती है उसके ऊपर, इसी तरह ये स्टैक होता है, ठीक है। स्टैक के ऊपर आपने यहाँ पे कुछ चीज स्टोर करवाई, ठीक है, और उसने यहाँ पे एक वैल्यू थी, आई एम सॉरी यार मेरे पास ना वो है कुछ नहीं तो मैं माउस यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 50 लिखा, ठीक है, और इसने यहाँ पे इसको लॉक करवा दी किसी वेरिएबल के पास v1 के अंदर। यहाँ पे उसने एक और वैल्यू स्टोर करवाई, ठीक है, और इसके अंदर जो भी उसकी एक्स वैल्यू थी इसने उसको भी करवा दिया किसके साथ, ठीक है, v2 के अंदर करवा दिया। ये है प्रिमिटिव टाइप को ये ऐसे स्टोर करवाता है, ठीक है, प्रॉपर मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। जी हमजा क्या कह रहे हो? जैसे डिस्क्रिप्टिव पैकेट होता है सर, क्या होता है? जैसे बिस्किट का पैकेट होता है ना, हाँ बिस्किट का पैकेट कह दो, जैसे खोलते हो तो शुरू शुरू में, हाँ ऐसे ही कह दो, किताब बिस्किट या तुम्हें खाना याद आ रहा है। चलो हाँ देखो इसकी इसका सबसे तरीका किताबों का, ठीक है, आपके पास अगर 5 किताबें पढ़ी हो ना, ठीक है, सबसे नीचे वाली किताब को आप सबसे पहले निकालने मुश्किल होती है, ठीक है, तो स्टैक भी ऐसी होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट, वो बाद की बात है, ठीक है। तो जो हम लोग जब किसी एक प्रिमिटिव जब क्रिएट करते हैं ना, जब हम लोगों ने इसको नाम दिया यहाँ पे कुछ, तो वो इसको स्टोर कर देते हैं स्टैक के ऊपर, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई अरे शरे बनाई, सॉरी यार दिस इज वेरी बैड, कैसे इसको यूज करते हैं, ड्रॉ, ठीक है, एक सेकेंड जी, ऑप्शन देता तो है, चलो जी फ्री कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे बनाई कोई अरे, ठीक है, और इस अरे को हम लोगों ने यहाँ पे किसी चीज के ऊपर नाम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोगों ने कहा कि ये जी है ए आर आर, ये अरे हमारी, यहाँ पे पहले वो बनाता है पॉइंटर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंटर बनाता है, इस पॉइंटर को वो यूज करके, ठीक है, वो पॉइंटर आपके अंदर क्या कर रही होती है, इस हीप के अंदर रेफरेंस क्रिएट कर रही होती है, स्टैक के अंदर स्टोर नहीं होता। जो प्रिमिटिव टाइप्स है वो आपके स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है, और जो आपके ऑब्जेक्ट्स है वो आपके हीप्स के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। हीप्स इज अ काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन उसकी मेमोरी ज्यादा होती है, स्टैक तेज होता है लेकिन उसकी मेमोरी छोटी होती है, ठीक है। तो अब हम लोग जब प्रिमिटिव टाइप क्रिएट करते हैं वो क्या करता है, वो उसकी वैल्यू को स्टैक के अंदर ऐड करता है और जिस वेरिएबल नाम के साथ हम लोग डिफाइन करते हैं उसको लॉक करते थे। लेकिन जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो उसको हीप के अंदर ऐड करता है लेकिन स्टैक के अंदर उसका पॉइंटर ऐड करता है टू दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि असल में इसको कोड करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा लिख भी लूं यहाँ पे, ठीक है, चल। सो major difference is in how they are stored and used in memory. Okay. So when we create a primitive type and assign it a value, it is stored on a stack. ठीक हो गया, इट्स काइंड ऑफ लाइक जो आपको डेटा स्ट्रक्चर का पता है, ठीक है। लेकिन when we create a reference type, it is stored in a
keep, ठीक है, यहाँ पे क्या है, it has more store, more space available, ठीक है, so we can store more complex type, more types of objects, ठीक है जी, लेकिन ये slower होता है. ठीक है, अब सवाल ही मेरा फिर पैदा होता है, why is it important, right? ये क्यों अजी इंपॉर्टेंट है जानना. ठीक है, अब when we store a primitive type, ठीक है, और when we store a primitive value in a variable, ठीक है, it adds that value to the stack, ठीक है, and it locks the variable, ठीक है जी. ठीक है, लेकिन लेकिन जब हम लोग एक रेफरेंस टाइप को स्टोर करते हैं, ठीक है, इन अ वेरिएबल, ठीक है, इट एड्स इट टू द हीप बट एड्स अ पॉइंटर इन द स्टैक टू द ऑब्जेक्ट इन द स्टैक, ऑन द स्टैक कर लो यार, सेंस बन गई. ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं, हम लोग कोड करते हैं. ठीक है, अब मैं बनाता हूं यहाँ पे स्कोर 1, ठीक है, 50, ठीक है, स्कोर 2 जो है वो इज इक्वल टू क्या है, वो इज इक्वल टू है स्कोर 1. ठीक है जी, मैंने बना लिया, मैं यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग करता हूं. ठीक है, और यहाँ पे मैं स्कोर 2 करता हूँ. ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, स्कोर 1 इज 50, स्कोर 2 इज 50. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कोर 1 इज इक्वल टू 60, तो स्कोर 2 को क्या हो, कुछ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा कुछ यार, क्योंकि स्कोर 1 किसी और स्कोर 2 सही रहेगा, स्टैक में पड़ा हुआ है, लॉक हो चुका है. ठीक है जी, लॉक हो चुका है, स्कोर 1 चेंज हो गया स्कोर 2 एज इट इज रहा. क्यों भला, इसका लेना देना कैसे है कि हम लोग चीजें स्टोर कैसे करवाते हैं. अब जब हमने स्कोर 1 बनाया ना, तो इसने स्कोर 1 को पकड़ के हीप के अंदर क्या कर दिया, सेव कर दिया. ठीक है, अब इसको हम लोग इधर बनाते हैं. ठीक है, ये हमारा आया स्कोर, ये हमारा आया वैल्यू 1, और ये हमारी आई दूसरी वैल्यू. ठीक है, अंदर अंदर टेक्स्ट डालते हैं. ठीक है जी, ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या था 60, ठीक है, और यहाँ पे था 50. ठीक है, दोबारा हम लोग थोड़ा टेक्स्ट डालते हैं. ये था हमारे पास पहले स्कोर 1, स्कोर 1, ठीक है, ये पहले शुरू में भी ये क्या था, एक सेकेंड, और फिर हम लोगों ने कहा स्कोर 2 को भी, स्कोर 2 की वैल्यू भी क्या कर दी हम लोगों ने, 50. फिर ऊपर जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू चेंज की ना, ठीक है, स्कोर 1 की वैल्यू हमने क्या कर दी अब 60, ऐसे ही है. उसने ऊपर स्कोर 2 पे कोई फर्क नहीं डाला. ठीक है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल्स लॉक हुए हैं. ठीक है, लेकिन अब सिर्फ इमेजिन करो, यहां पे हमारे पास क्या था, अरे थी. ठीक है, अब अरे पे हम लोग जो भी यहाँ पे पॉइंटर बनाएंगे ना, वो असल में करेगा पॉइंट इसके ऑब्जेक्ट को. वो हम लोग दो वेरिएबल्स भी बना लेंगे ना, एट द एंड ऑफ द डे वो हमेशा इसी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पॉइंट करेगा. आओ जी देखते हैं इन एक्शन, इन कोड करके देखते हैं ना. ठीक है, लेट्स चेक, ठीक है जी, मैं बनाता हूँ यहाँ पे यूजर 1,
ठीक है, एज 25 ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ const user 2 is equal to user 1 ठीक है। ये असल में इसने अभी क्या किया है, इसने किया है कॉपी पॉइंटर, ठीक है, इसने एक्चुअल उस एक्चुअल वैल्यू को नहीं किया, ठीक है, एट द बैक एंड दे आर ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम डेटा ऑन द हीप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग यूजर वन, बल्कि एक सेकेंड, यूजर वन ठीक है और यूजर टू, ठीक है, मैं करता हूँ, मेरे पास क्या आता है देखो सर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, ठीक है, गलती की मैंने, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, बल्कि इसको ना स्ट्रिंग लिटरल के अंदर डाल दूंगा तो इसका मसला आ रहा है, चलो ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, देखो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं अगर करता हूँ ना, ठीक है, मैं यूजर वन की एज को चेंज करता हूँ, मैं 30 करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको जब कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, देखो दोनों की एज चेंज हो गई है, देखा है मैंने सर यूजर वन की चेंज की है ना, और यूजर वन का अगर मैं नेम भी चेंज करता हूँ, देखो उसने दोनों को पकड़ के यूजर वन यूजर टू दोनों को चेंज कर दिया, इससे क्या साबित होता है, इससे हमारी जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो साबित होगी कि असल में जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास स्टैक के ऊपर स्टोर नहीं होते, उनका पॉइंटर स्टैक के ऊपर स्टोर होता है, ठीक है, वो एट द बैक एंड हीप के अंदर वो सेम डेटा को क्या कर रहे होते हैं, उनकी तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है सर। तो जी सर मींस के वो सिर्फ एड्रेस कॉपी करता है वहां, मतलब वेरिएबल में सिर्फ एड्रेस स्टोर होता है वो, जब जब भी वेरिएबल कॉल होता है तो एड्रेस में जो भी स्टोर होता है वो लेकर आ जाता है वैल्यूज, बिल्कुल ऐसा ही है, जब ये रेफरेंस टाइप होती है, ठीक है, जब प्रिमिटिव टाइप है, जब वैल्यूज हैं तब मैटर नहीं करता, तब वो स्टैक के ऊपर स्टोर करवाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आगे जाके आप कोडिंग शोडिंग करना स्टार्ट करोगे, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपने एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से तो आपने दो जगहों पर सेव करवाया, ठीक है, लेकिन आपने कहीं पे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करवा दिया तो वो क्या करेगा, वो दोनों जगहों पर नाम चेंज कर देगा, दोनों जगहों पर अपेंड करवा देगा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस, ठीक है, इसलिए इस चीज को समझना इंटेंसली क्या है, जरूरी है, क्लियर होगी आप लोगों को बात, यस सर, सबको सबको ये बात क्लियर है, यस सर, यस सर, किसी का सवाल, इस चीज को रोकने के लिए हमें उसका कॉपी बनाना पड़ेगा, इस चीज को रोकना क्यों है भाई, ठीक है, नया नया इसको ऑब्जेक्ट को दोबारा डिफाइन करो ना, ये यूजर टू इज इक्वल टू यूजर वन ही होना चाहिए, यूजर टू इज इक्वल टू द सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो फिर मसला नहीं होगा, ठीक है, चलो चलो जी, बेहतरीन हो गया, ठीक है, तो आज का इधर खत्म करते हैं क्योंकि अगला हमारा लेक्चर होगा डॉम के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने यहाँ पे एचटीएमएल बनाया था ना, ठीक है, ये हम सीखेंगे कि अच्छा इसके पीछे हमारी पीछे लॉजिक क्या पड़ी हुई है, ठीक है जी, चलें, मैं इधर रिकॉर्डिंग वगैरह जरा बंद कर दूँ। एक सवाल है, ये जो मैथ वाला ऑब्जेक्ट था ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा होता है? नहीं, ये तो एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ये तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी का अपना एक इंटरनल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ। अच्छा अच्छा, उसका ऑब्जेक्ट है, सही, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है जी, चलो मैं रिकॉर्डिंग का स्टॉप कर दूँ।